ने लिखा था कि तेरा किया अगर तुझ पर ही आ जाए तो कैसा होगा, तेरा किया अगर तुझ पर ही आ जाए तो कैसा होगा, जो दर्द तूने मुझे दिए वो कोई तुझे दे जाए तो कैसा होगा, जो दर्द तूने मुझे दिए वो कोई तुझे दे जाए तो कैसा होगा। और हर बार मुकरता है ना तू अपनी बात से, हर बार मुकरता है ना तू अपनी बात से, इस बार मैं मुकर जाऊँ तो कैसा होगा, इस बार मैं मुकर जाऊँ तो कैसा होगा। उस पर लिखा था कि तुम जो बदले हो तो क्या क्या बदला है, तुम जो बदले हो तो क्या क्या बदला है, जिस्म बदली, नाम बदला या फिर रूह बदला है, या फिर बदल गई है जिंदगी और उसका मकसद भी, या फिर बदल गई है जिंदगी और उसका मकसद भी, तुम्हारे साथ साथ क्या तुम्हारा दिल भी बदला है। वो अल्फाज मैं कोरे पन्ने पर जज्बात लिखती हूँ, जो जुबान न बयां कर सके वो अल्फाज लिखती हूँ, और पंक्तियों में पिरोती हूँ कई राज दिलों के, पंक्तियों में पिरोती हूँ कई राज दिलों के, मैं कुछ बूंद स्याही से कई हालात लिखती हूँ, मैं कुछ बूंद स्याही से कई हालात लिखती हूँ। नमस्कार, आप लोग देखना शुरू कर दिए हैं SEO न्यूज़। चलिए नमस्कार, स्वागत है आपका SEO न्यूज़ में, और मैं हूँ आपके साथ यूनुस। मैं बता दूँ, बड़हरिया विधानसभा के अंतर्गत में तितहली ये गांव आता है, छोटा सा गांव है। अगर बात की जाए तो गोपालगंज और जो कि सिवान जिला है बॉर्डर को जोड़ता है, भरोजी रोड में जाइएगा तो तितहली ये गांव पड़ता है, छोटा सा गांव पड़ता है। लेकिन पहली मर्तबा इनसे भी मुझे बात हुई थी जब इनका तीसरा बुक रिलीज़ होने वाला था, अभी वो पेंडिंग में था। उस वक्त मैंने बात किया था इनसे, इनके सर विकास सर भी थे वहाँ पर। लेकिन आजकल शायरी में अगर देखा जाए तो रील्स और काफ़ी ज़्यादा हिट कर रहे हैं सोशल साइट पे। इनका एक रील्स था जो कि काफ़ी ज़्यादा वो शायरी वायरल हुआ था, हमने भी कई जगह उसको देखा हुआ था, जो कि बहुत बेहतरीन तरीके से, हम उससे शुरू करेंगे आखिर वो कौन सा शायर था कि बड़े बड़े स्टार ने उस पर ड्यूट किए थे। हालांकि ये बताएंगे कौन कौन सा स्टार उस पर ड्यूट किए थे, वो कौन शायर थे, उसी अंदाज में जैसे आप पहली मरतबा बोली थी। वो मैंने लिखा था कि तेरा किया अगर तुझ पर ही आ जाए तो कैसा होगा, तेरा किया अगर तुझ पर ही आ जाए तो कैसा होगा, जो दर्द तूने मुझे दिए वो कोई तुझे दे जाए तो कैसा होगा, जो दर्द तूने मुझे दिए वो कोई तुझे दे जाए तो कैसा होगा। और हर बार मुकरता है ना तू अपनी बात से, हर बार मुकरता है ना तू अपनी बात से, इस बार मैं मुकर जाऊँ तो कैसा होगा, इस बार मैं मुकर जाऊँ तो कैसा होगा। ये मतलब कि आप जो लिखी हैं खुद आप लिखती हैं, लेकिन फिर ये हमको समझ में नहीं आ रहा है कि ये शायर का पीछे का रीज़न। देखिए, बहुत सारे लोग धोखा देते हैं, तो क्या ना कि अगर आप किसी को धोखा दे रहे हैं तो वो आप पर रिटर्न आएगा। आपको अभी अंदाज़ा नहीं हो रहा है, लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं ना कि अपने मतलब के लिए लोगों को यूज़ करते हैं, और फिर जब वक्त काम निकल जाता है तो फिर उन्हें छोड़ देते हैं। आप किसी को धोखा दे रहे हो तो वहाँ पर भी रिटर्न होगा इस बात का। अगर आप किसी को धोखा दे रहे हो तो अपने इस बारी का इंतज़ार ज़रूर कीजिए, क्योंकि अब ये हो गया है, कई इंसाफ जो होते हैं वो कयामत के दिन ही नहीं बल्कि दुनिया में भी कई फैसले हो जाते हैं। तो इसके पीछे मैंने यही सोचा, ये नेचुरली है कि यार फैसला हो जी जाता हाँ है। आप अगर किसी के साथ बुरा कर रहे हैं तो वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप पर आएगा। लेकिन ऐसे शायर जो हम ही समझते हैं शायर को बड़ी फील्स करते हैं हम, लेकिन ऐसे लोग क्यों कहते हैं शायरी लिखने वाला अक्सर लोग मोहब्बत करके टूट जाते हैं? नहीं, सही बात है कि नहीं, गलत? ये बहुत सारा क्वेश्चन मुझसे लोगों ने पूछा है। मेरी याद है कि मेरी कज़न ने मुझसे पूछा कि बोला कि ऐसा लोग होता है ना लिखते हैं, जो फील करता है वही, जिस पे बीतती है वही लिख सकता है। मैं कहती हूँ नहीं, जिस पे आप ही बताइए। ऐसे बहुत सारे राइटर होते हैं जो आफ्टर लाइफ यानी कि मरने के बाद का सिनेरियो बताते हैं, क्या उन्होंने मर के एक्सपीरियंस किया इंटरनल लाइफ की जिंदगी? काफ़ी लोग होते हैं जो फेरी टेल्स के बारे में लिखते हैं, तो क्या उन्होंने एक्सपीरियंस किया है फेरी टेल? वो उन्होंने पढ़ियों के बारे में जाना है, ज़िंदगी के बाद के लिखा है। मैं लिखती हूँ, मैं जहेज प्रथा पर लिखती हूँ, मैं बेटियों को ससुराल में जला देता हूँ उस पर लिखा है मैंने बहुत सारे सोशल इश्यूज़ पर लिखा है, तो क्या सब मुझ पर बीते हैं? नहीं बीते। मोहब्बत पर शायरी कुछ हो जाए, पोएम जो कि बोलेंगे, जो कि काफ़ी ये अट्रैक्ट करता है उन युवाओं से जो कि आजकल के दौर में लोग चलना चाहते हैं, बहुत लोग फील्स कर लेते हैं उस वर्ड को, बहुत खूबसूरत पोएम है वो, क्या पोएम है? एक मैंने ये लिखा था कि तुम जो बदले हो तो क्या क्या बदला है। ऐसे लोग जो बहुत सारे लोग होते हैं ना, कहते हैं चेंजेस आर चेंजिंग फॉर गुड और चेंजेस आर इम्पॉर्टेंट, तो मैंने उस पर एक लिखा था कि तुम जो बदले हो तो क्या क्या बदला है, तुम जो बदले हो तो क्या क्या बदला है, जिस्म बदली, नाम बदला या फिर रूह बदला है, या फिर बदल गई है जिंदगी और उसका मकसद भी, या फिर बदल गई है जिंदगी और उसका मकसद भी, तुम्हारे साथ साथ क्या तुम्हारा दिल भी बदला है। खुद बदले हो या बदलवाए गए हो, खुद बदले हो या बदलवाए गए हो, ये यूं ही है या इश्क में सताए गए हो, वो लोग हैं क्या जो कल थे जिंदगी में तुम्हारी, वो लोग हैं क्या जो कल थे जिंदगी में तुम्हारी, ख्वाहिश ही बदली है या सिर्फ हुलिया भी बदला है, तुम जो बदले हो तो क्या क्या बदला है। बदलने की बात जो की जाती है वो है,
क्या अगर कोई होता है ब्रोकन हार्ट होता है, जो उसे अपने शब्दों से समझाया जाए, क्योंकि आप जितना शब्द को समझ पा रही हैं हमें समझ में नहीं आ रहा है कोई अच्छे एजेंट लोग भी इस शब्द को समझ पाएंगे, बात को समझ रही है? जी देखें, ऐसे है ना कि वर्ड को समझने के लिए एज मैटर नहीं करता है, आप समा आपको बस ऑब्जर्व करना होता है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो किसी के समझ में नहीं आए, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो किसी के समझ में बात आता करने के लिए टॉपिक नहीं फीलिंग्स की जरूरत होती है। बिल्कुल यही है बात है, बात यही है जी, फीलिंग्स चाहिए टॉपिक नहीं चाहिए वहाँ पे, आप टॉपिक चाहिए लेकिन अगर आप तो घंटों पर अगर बात करें किसी भी टॉपिक की बात कर लीजिएगा। एग्जैक्टली, ये मेरी आदत है, ये मेरे इसका डेडिक्री ये जो होता है ना इसका क्रेडिट मेरी मम्मा को जाएगा आई थिंक, क्योंकि ऐसा मैं इंट्रोवर्ट भी हूँ लेकिन जब तक मैं किसी इंसान को नहीं जानती हूँ तब तक, एक बार मैं उससे फ्री हो गई तो फिर मेरे जितना कोई नहीं बोलेगा, मैं इतना बात करती हूँ। और ऐसे मैं ऐसे कॉल्स पर भी मेरे फ्रेंड ही जो मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं वो भी उनसे भी मुझे बात किए, 2 महीना 4 महीना हो जाएगा मैं बात नहीं करूँगी उतना। लेकिन हाँ, अगर आप मेरे साथ मिल के बैठ रहे हैं कोई ऐसे टॉपिक पे आप बात कर रहे हैं जिसको मैं समझती हूँ तो मैं आपसे अच्छे से बात करूँगी। अच्छा लगता हो, फेवरेट हो आपका? फेवरेट तो असल बात ये है कि ये सवाल मैं फिर कहूँगी, मुझसे ये लोग बहुत बोलते हैं फेवरेट शायरी सुनाओ, एक राइटर से उसकी फेवरेट शायरी नहीं पूछनी चाहिए, क्योंकि ऐसे आप जब थाउजेंड्स ऑफ पोएम्स लिखे, मैंने 500 से प्लस पोएम्स लिखे, अब उसमें से आप मुझे कहोगे कि एक फेवरेट सुनाओ तो वो मैं कैसे सुनाऊँगी। हाँ लेकिन अभी फ़िलहाल में जो मुझे एक पसंद आ रहा है वो लोग कहते हैं कि आप क्या लिख रही हो, है ना, तो आप क्या लिखते हो, तो मैंने उस पर लिखा था कि मैं कोरे पन्ने पर जज्बात लिखती हूँ, मैं कोरे पन्ने पर जज्बात लिखती हूँ जो जुबान ना बयां कर सके वो अल्फाज लिखती हूँ, मैं कोरे पन्ने पर जज्बात लिखती हूँ जो जुबान ना बयां कर सके वो अल्फाज लिखती हूँ, और पंक्तियों में पिरोती हूँ कई राज दिलों के, पंक्तियों में पिरोती हूँ कई राज दिलों के, मैं कुछ बूंद स्याही से कई हालात लिखती हूँ, मैं कुछ बूंद स्याही से कई हालात लिखती हूँ। अभी आपका जो चौथा बुक, देखिए मैं बता दूं कि इनका चौथा बुक बहुत जल्द रिलीज़ होगा, 3 बुक रिलीज़ हो गया है, अच्छा ट्रेंडिंग में भी चला था इनका। अगर बहड़िया विधानसभा के अंदर मैं बात कर लीजिए, चूँकि मैं बहड़िया में बहुत ज़्यादा रहता हूँ, तो बहड़िया विधानसभा के अंदर में अगर बात कर लिया जाएगा तो सोशल साइट से लोग जुड़े हुए हैं बहुत, फ़ायदा बहुत कम लोग इसे उठाते हैं, लेकिन ये बहड़िया में छोटी से गाँव से होकर फ़िलिप जैसे और अमेजन ऐसे ऐप्स पर इनका जो बुक ट्रेंडिंग कर रहा है वाकई में बहड़िए के लिए गर्व की बात कहा जाएगा, क्योंकि अगर एक क्षेत्र से कोई लड़का या लड़की अच्छा कार्य करके निकल जाता है तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ये बहुत बेहतरीन करेगा, क्योंकि एक व्यक्ति से जिला का नाम हो जाता है। मम्मी को अब श्रेय देने देती हैं, हमेशा पिछले बार भी मम्मी को श्रेय दे रही थी, मम्मी को मोहब्बत में कुछ पंक्तियाँ हो जाए। बिल्कुल, मैं फ़र्स्ट पोइट्री जो मैंने अपनी लिखी थी, क्योंकि मेरे लाइफ में मेरे मम्मा पापा और बहन ये तीन ही इंसान ऐसे हैं जो हर तरफ से पूरी कोशिश उनकी रहती है कि मैं कुछ भी कर लूँ, मैं बस सपना देखती हूँ ना तो मैं कि मम्मा मैं ये करना चाहती हूँ, एंड सब लोग कहते हैं हाँ ठीक है कर लो, अगर कर सकती हूँ तो कर लो, तो और मम्मी से अब हर बच्चे की इंट्रैक्शन ज़्यादा होती है, सब अपने अपने ये करते हैं। तो मम्मा पर जो मेरी पहली पोइट्री थी, शायरी थी, वो मेरे मम्मा पर थी, कि लिखा था कि माँ की दुआओं में असर खुदा देता है, माँ की दुआओं में असर खुदा देता है, माँ की बददुआओं को भी दुआओं में बदल देता है, और माँ ही एक ऐसी चीज़ है जिसका अपनी औलाद से, माँ ही एक ऐसी चीज़ है जिसका अपनी औलाद से सारी दुनिया से 9 महीने ज़्यादा का रिश्ता खुदा देता है, 9 महीने ज़्यादा का रिश्ता खुदा देता है। तो चलिए, इन्होंने जो अंतिम में एक शायर कहा है सही बात है, लोग फीलिंग्स को नहीं समझ पाएंगे। बहरहाल आप लोग मेरे साथ बन रही हैं, इनका चौथा बुक बहुत जल्द रिलीज होगा, पीडीएफ पे वर्क कर रही हैं अभी, राइट? सही बात है, ये पीडीएफ पे वर्क कर रही हैं। लेकिन मैं बता दूं जानकारी के लिए जो लोग नहीं जानते होंगे, इंस्टाग्राम जो लोग चलाते होंगे, मैं बता दूं बहुत ज़्यादा फेमस इनका शायरी उस पर इंस्टा पे ट्रेंड कर रहा है। आने वाले दिनों में हमें उम्मीद है कि बहड़िया एक अच्छा शायर देने जा रहा है आने वाले दिनों। बहरहाल आप लोग मेरे साथ बन रही है, मैं हूं आपके साथ यूनुस, धन्यवाद।